प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। कर्क लग्न का जो सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट होता है वो होता है शनि सैटर्न। इसीलिए कर्क लग्न के लोग शनि की वस्तुओं का दान करेंगे तो उनके लिए हमेशा शुभ रहेगा। मैं फिर बता दूं, लग्न के अनुसार हम बात कर रहे हैं, राशियों के अनुसार नहीं। इसलिए अगर आपका कर्क लग्न है तो आप काली वस्तुओं का या लोहे का दान करें। काले चने हैं, काली उड़द की दाल है, काले कपड़े हैं, लोहे की वस्तुएं हैं, इनका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नियमित रूप से हर शनिवार को आप प्रकाश का दान भी करिए। प्रकाश का दान का मतलब ये है कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को आप जलाते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर आपका कर्क लग्न है तो शनि संबंधी वस्तुओं का दान करना और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो कर्क लग्न वालों के बारे में हमने बात की, अब सिंह लग्न वालों की बात करते हैं कि इनके लिए दान किस तरीके से इनको करना चाहिए और इनके लिए क्या मुश्किल है। सिंह लग्न के लिए भी शनि ही सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है, तो अगर ये शनि की वस्तुओं का दान करें, शनि की चीजों का दान करें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह लग्न वाले काली वस्तुओं का या खाने की वस्तुओं का नियमित रूप से दान करें। काली चने की दाल, काली उड़द की दाल, काले कपड़े, काले राजमा, काली चीजों का दान आपको करना चाहिए या खाने पीने की चीज का दान भी आप किसी निर्धन व्यक्ति को नियमित रूप से करें। और साथ में आपके लिए भी प्रकाश का दान करना लाभकारी होगा। यानी हर शाम को, हर शनिवार की शाम को अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अगर सिंह लग्न आपका है और आप प्रकाश का दान करें तो इसके परिणाम, इसके फायदे निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। सिंह लग्न वालों के जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है, तो अगर सिंह लग्न के लोग ये एक छोटा सा दान नियमित रूप से करते रहें तो उनके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। बिल्कुल, अब अगला लग्न है कन्या लग्न। पंडित जी, कन्या लग्न का सबसे नकारात्मक ग्रह जो इनको जीवन में दिक्कतें देता है या मुश्किलें देता है वो है मंगल। तो अगर कन्या लग्न के लोग मंगल की वस्तुओं का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे लाल वस्त्र है, लाल फल है, सेब है, अनार है, लाल मसूर की दाल है, अगर इसका दान करें तो लाभकारी होगा। वैसे कन्या लग्न के लोग एक नियम बना लें कि हर मंगलवार को गुड़ का और जौ का अगर दान करें तो कन्या लग्न वालों के लिए बहुत शुभ होगा। कन्या लग्न वालों के पारिवारिक जीवन में और सेहत में दिक्कतें अक्सर आ जाती हैं, इसीलिए अगर हर मंगलवार को आप गुड़ और जौ का दान करते रहें तो आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।